अरे पहले ही भूत से तो पिछवाड़ा छुड़ाऊं, आगे की बात में सोचेंगे। मालिक वो देखो। क्या आपने कभी ये सोचा है कि राजपाल यादव, परेश रावल जैसे एक्टर्स हमेशा कॉमेडी रोल में ही क्यों नजर आते हैं, या फिर गुलशन क्रोवर, रंजीत ऐसे कलाकार हमेशा निगेटिव रोल में ही क्यों नजर आते हैं? तुम्हारे शरीर के पेड़ पर जवानी का नया फूल खिल गया, लेकिन वो अपनी तकदीर बदल नहीं सकते, आखिर उसे एक दिन समुंदर के साथ एक होना ही पड़ता है। या फिर बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो आपको सिर्फ एक तरीके के ही रोल करते हुए नजर आते हैं, और आज हम इसी टॉपिक पे गहराई से बात करेंगे और समझेंगे कि टाइप कास्ट के पीछे की कहानी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे तो मूवी में काम करना है, चाहे वो छोटा काम हो, बड़ा काम हो, जैसा काम हो, बस काम हो, तो उसके लिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आज के इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं द स्ट्रगलर एप्लीकेशन, जो आपके लिए लेके आया है इंडिया का नंबर वन ऑडिशन अपडेट ऐप, जहाँ पर आपको कास्टिंग डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट मिलेगी और उस रिक्वायरमेंट में कास्टिंग डायरेक्टर का नंबर, उनकी मेल आईडी भी रहेगी, जहां पर आप अपनी प्रोफाइल शेयर कर सकते हो। सिंपल, अगर आप काम करना चाहते हो बॉलीवुड इंडस्ट्री में तो देर क्यों कर रहे हो, जल्दी जाओ, डिस्क्रिप्शन में आपको द स्ट्रगलर ऐप का लिंक मिल जाएगा, या फिर गूगल प्ले स्टोर से भी जाके आप द स्ट्रगलर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन हम बात करते हैं सबसे पहले कि टाइप कास्ट के बारे में, कि व्हाट इज टाइप कास्ट। टाइपकास्ट एक तरीके का कास्टिंग प्रोसेस है जो एक एक्टर के अपीयरेंस, उसके लुक, उसके मतलब बोलने के तरीके से एक ही रोल को बार बार अलग अलग मूवी में करने के लिए प्रेरित करता है, या फिर उसको वही ऑप्शन ही मिलता है, उससे वो कलाकार बार बार टाइपकास्ट हो जाता है, और इससे जो कलाकार है या एक्टर है इससे उसकी ग्रोथ में थोड़ी सी कठिनाइयाँ आती है, कि एक ही तरीके का रोल बार बार करते करते पब्लिक भी समझ जाती है कि यार इसको तो एक ही चीज आता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, विद्युत जामवाल को अगर आप लोग देखते होगे तो वो हर मूवी में एक्शन हीरो के ही तौर पर नजर आते हैं, पर वो खुद भी कहते हैं कि मुझे एक्शन करना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं एक्शन हीरो के ही तरह हर मूवी में नजर आऊंगा। तो चलिए थोड़ी बात विद्युत जामवाल की भी सुन लेते हैं इस मुद्दे पे। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दीज इनकोमियम्स व्हिच आर जस्ट कॉइंड फॉर यू दैट यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग द अनथिंकेबल एंड you like to do your own stunts and what you do on screen is magic, but I am capable of doing things which are unbelievable. So yeah, but no, nothing, I just keep doing my work, these things don't excite me or distract me. ab baat karte hain dusre kalakar ke bare mein, alok nath ji ko to aapne dekha hi hoga jo har movie mein babu ji bante hain, inka bhi kehna yahi hai ki inko typecast kar diya gaya tha, inko agar aap kisi aur रोल में देख लेते हो तो आप इनको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हो। आइए आलोक नाथ जी को भी सुनते हैं, उनका क्या कहना है इस मुद्दे पे। मतलब खंजर घोप लो अंदर। मेरी उम्र उस वक्त शायद 30 या 32 साल की है, 33 साल की रही होगी, और जीतू जी के बाप का रोल, क्योंकि मैं करने लगा था बूढ़े रोल, तब मुझे एहसास हुआ कि अब शायद वो वक्त आ गया है कि मुझे बूढ़े ही रोल मिलेंगे और करने चाहिए, नहीं करता तो फिर मैं आज यहाँ तक ना पहुँच पाता। आई होप आप समझ गए कि जो एक्टर एक तरीके से टाइपकास्ट हो जाते हैं उनको काम मिलने में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो मुझे आप ये बताना कमेंट करके कि आप किस तरीके का रोल करना चाहते हो, टाइपकास्ट होना चाहते हो, किसी एक ही तरीके का रोल करना चाहते हो हर मूवी में, या आप वर्सटाइल एक्टर बनना चाहते हो, हर तरीके का किरदार निभाना चाहते हो, ये मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताना, ठीक है। अब बात करते हैं द पावर ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन, ये क्या है। देखो, जब एक एक्टर पहली बार किसी मूवी या वेब सीरीज में नजर आता है और वो फेमस हो जाता है उस कैरेक्टर को लेके, तो जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो उसको उसी रूप में देखना चाहते हैं हर मूवी, हर वेब सीरीज में, तो वो एक्टर एक तरीके से टाइप कास्ट हो जाता है। अगर मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दूं, अगर आप पुरानी पिक्चर देखते होंगे तो रंजीत जी आपको हर मूवी में दिखते होंगे विलन के ही रूप में, मतलब उनको और कोई किरदार में जो प्रोड्यूसर होता है वही नहीं देख सकता है। इस पे भी रंजीत जी ने टिप्पणी की है, आइए उनकी बात सुन लेते हैं। पहले कहता उस पिक्चर में ना तो बिंदु थी ना रंजीत था। डिस्ट्रीब्यूटर्स की मांग होती थी प्रोड्यूसर से कि भी आपकी फिल्मों में कौन कौन, अगर हम लोग नहीं रहे तो बोले नहीं यार बिंदु जी को ले लो यार, वो उसके लिए उधर रंजीत को भी ले लो, तो इस तरह से एक भी फिल्म हम बाकी नहीं रखते थे। और एक दो एग्जांपल और मैं आपको देना चाहता हूँ, जैसे पंकज त्रिपाठी को हम लोग ने सबसे पहली बार देखा था गैंग्स ऑफ वासेपुर में, और उनका जो फर्स्ट इंप्रेशन था वो बहुत ही तगड़ा था उस मूवी से, और उसके बाद से वो जितनी भी मूवी किए हैं आमतौर पे एक ही तरीके का रोल आपको उनके हर मूवी में नजर आएगा। अब वो थोड़ा बहुत चेंज हुए, नहीं तो आप चाहे गुड़गांव देख लो, चाहे मिर्जापुर देख लो, सिंपल सीधे से एकदम विलन वाले बॉस बन के बैठे रहेंगे, बस खाली मुंडी से उनका काम होता रहता है, मतलब अधिकतर एक ही तरीके के रोल में आपको वो नजर आते हुए दिखेंगे।
और ऐसा ही फर्स्ट इंप्रेशन आया था अमिताभ बच्चन साहब का जब वो पहली बार जंजीर मूवी में नजर आया था एंग्री मैन के रूप में। तो उनको देखो हर मूवी में वो एंग्री मैन ही बनते रहते थे हमेशा, मतलब स्टार्टिंग के टाइम पे, फिर धीरे धीरे बदल गए। पर ये होता है जब फर्स्ट इंप्रेशन आपका बन जाता है ना कि आप इसी तरीके के कलाकार हो, तो आपको उसी तरीके की मूवी में काम मिलना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल अपीयरेंस एंड स्टीरियोटाइप। अब ये क्या होता है, देखो बॉलीवुड में फिजिकल अपीयरेंस का बहुत ही महत्व होता है कि आप जिस तरीके से दिखते हो उसी तरीके का रोल मिलेगा। अगर आप थोड़े हट्टे कट्टे लंबे चौड़े हो तो आपको विलन, या फिर आपको ऐसा बॉडी बिल्डर, या फिर आर्मी से रिलेटेड, या मतलब ऐसा जो तगड़ा काम वाला रहेगा ना, वही टाइप के कैरेक्टर मिलेगा। और इसी तरीके से अगर आप थोड़े छोटे हो, अगर आप थोड़े नाजुक हो, तो आपको स्वीट स्वीट रोल मिलेंगे। ऐसा नहीं होता कि जो, और अगर रियलिटी में देखो तो ज़रूरी नहीं है जो स्वीट स्वीट है वो स्वीट ही दिखता हो, वो भी विलन बन सकता है, ठीक है। तो ये वहाँ पे इस तरीके से कैरेक्टर को डिफाइन किया जाता है, तो ये भी एक तरीके का टाइप कास्ट ही हुआ। या फिर ऐसे कलाकार जो एक ही तरीके की मूवी बार बार करते रहते हैं वो भी एक तरीके के स्टीरियोटाइप हो जाते हैं। जैसे अगर मैं कार्तिक आर्यन की बात करूँ, मतलब एक ही टाइप की मूवी बार बार आ रही है, बार बार आ रही है, चाहे प्यार का पंचनामा हो, प्यार की पंचनामा 2 तो चलो उसका सीक्वल निकल गई, उसके बाद फिर शहजादा हुई, या फिर सोनू की टीटू की स्वीटी हुई, ये भी मतलब अभी भूल भुलैया भी उनकी अगर एक्टिंग देखो तो एक ही टाइप की एक्टिंग थी। मैं यहाँ किसी को जज करने नहीं बैठा हूँ, लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो सिंपल एक ही तरीके की एक्टिंग दिखती है। और चाहे यहाँ पर आप जॉन इब्राहिम को देख लो, धूम से लेके पठान तक, आपको वो एक ही टाइप के रोल में बार बार नजर आएंगे। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है पब्लिक परसेप्शन। इसमें जो पब्लिक होती है, जो ऑडियंस होती है, वही डिसाइड कर लेती है कि ये जो किरदार है, ये जो एक्टर है, ये इसी टाइप के ही रोल कर सकता है, दूसरे टाइप के रोल नहीं कर सकता है। जैसे अमरीश पुरी साहब विलन का रोल करते थे, उनको लोग दूसरे रोल में मतलब नहीं पसंद करते थे। इसी तरीके से अनुपम खेर साहब, ये भी पहले विलन का काम करते थे, फिर ये धीरे धीरे जब कॉमेडी करने लगे लोग इनको नहीं पसंद करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे लोग पसंद करने लगे। क्यों पसंद करने लगे उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगा, लेकिन चलिए इन लोग की भी थोड़ी वीडियो देख लेते हैं कि इनका क्या कहना है इस मुद्दे पे। मेट मिस्टर महेश भट्ट एंड ही सेड यू हैव हर्ड, आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू, यू आर अ गुड एक्टर। आई सेड यू हैव हर्ड रॉन्ग, ही सेड व्हाई, आई सेड आई एम अ ब्रिलियंट एक्टर, दैट डिड इट, ही गिव मी द मेन रोल, yeah, without seeing any photographs, without seeing any movie of mine or any play of mine. After that, a lot of actors, struggling actors, tried to give him the same answer. It didn't work. मैं उस समय 28 साल का था जब मैंने वो रोल किया था 70 साल के बूढ़े का, तो लोग पोस्टर देखते थे और फिर मैं साथ में खड़ा होता था, लोग पहचानते नहीं थे। मैं कोशिश करता कि कोई मुझे पहचाने कि ये आदमी सेम आदमी है, मगर कोई देखता नहीं था। फिर कोई ध्यान से देखता तो मैं पीछे मुड़ के देखता था, तब तक देखता रहता था जब तक कहना यही आदमी है। सो जिस चीज़ के लिए आदमी फिल्मों में आता कि आदमी पहचाना जाए सड़क सड़क पर गली गली में, वो गड़बड़ लग रहा था। बट देन आई ऑलवेज वॉन्टेड। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है ब्रेकिंग द मोल्ड। मतलब अब वो दौर नहीं रहा है कि जब लोग टाइप कास्ट हो जाते थे, क्योंकि उस समय एक अलग टाइप की मूवी बनती थी, उसमें दिखाया जाता था ड्रामा एक तरीके से, विलन को एक अलग कैरेक्टर बना दिया जाता था, हीरो को एक अलग तरीके का बनाया जाता, जो और कैरेक्टर थे उनको अलग तरीके से बनाया जाता था। लेकिन अब इतने सारे ऑप्शंस आ गए हैं मूवीज़ में, इतनी मूवीज़ आती है, वेब सीरीज आने लगी है, और अब थोड़ी रियलिस्टिक एक्टिंग होने लगी है। तो लोग यहाँ पे समझ गए हैं ये जो एक्टर है वो एक कैरेक्टर निभा रहा है बस, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर रहा है। तो अब लोग वर्सेटाइल हो गए। जैसे मैं अक्षय कुमार की बात करना चाहता हूँ, अक्षय कुमार स्टार्टिंग में एज एन एक्शन हीरो ही नज़र आते थे, पर वो धीरे धीरे कॉमेडी करने लगे, फिर पीरियोडिक फिल्म करने लगे, तो मतलब अब वो वर्सेटाइल हो गए हैं, हर तरीके की मूवी करते हैं और अलग अलग तरीके से करते हैं। एक्टिंग उनकी भी सिमिलर रहती है हर जगह, पर ये रहता है कि वो निभा ले जाते हैं। जैसे शाहरुख खान हुए, शाहरुख खान भी पहले रोमांटिक हीरो करते थे, अब वो एक्शन हीरो कर रहे हैं, बीच में उन्होंने भी कॉमेडी ट्राई की थी, मतलब वो अलग अलग टाइप के रोल करने लगे। पर देखो उस समय गोविंदा थे, वो सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी टाइप की ही मूवी करते थे और कॉमेडी में वो अच्छे थे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वर्सेटाइल होना ज़रूरी है, और आज के कलाकार वर्सेटाइल हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप किस टाइप का काम करना चाहते हो, वर्सेटाइल एक्टर बनना चाहते हो या फिर टाइप कास्ट होकर एक ही तरीके के रोल निभाना चाहते हो बॉलीवुड इंडस्ट्री में। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। इस वीडियो का एम मैं रखता हूँ 5000 लाइक, सिर्फ और सिर्फ 5000 लाइक, ज़्यादा नहीं, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप लोग एक्टर बनना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको द स्ट्रगलर ऐप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और बॉलीवुड के कास्टिंग डायरेक्टर को अपनी प्रोफाइल शेयर कर सकते हो, और आप भी बॉलीवुड में काम करते हुए नजर आ सकते हो, ठीक है। और इसी तरीके की वीडियो आपको द स्ट्रगलर यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी, जाके जरूर देखिएगा। मैं मिलता हूँ आपको
इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।